नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। सोनाक्षी सिन्हा ने 23 जून को लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड जेरी इकबाल से शादी कर ली है। शुरुआत में उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा शादी के खिलाफ थे, हालांकि बाद में वो सोनाक्षी के फैसले पर राजी हो गए। अब कपल की शादी नए विवाद में घिरती नजर आ रही है। हाल ही में बिहार की हिंदू शिव भवानी सेना के कार्यकर्ता ने शादी को लव जिहाद से जोड़ते हुए धमकी दी है कि अगर शत्रुघ्न सिन्हा बेटी की शादी पर दोबारा विचार नहीं करते तो सोनाक्षी को बिहार में नहीं घुसने दिया जाएगा। हाल ही में हिंदू शिव भवानी सेना के सदस्य लव कुमार सिंह उर्फ रुद्र ने एक पोस्टर छपाया है जिसमें उन्होंने धमकी दी है कि वो सोनाक्षी सिन्हा को बिहार में घुसने नहीं देंगे। साथ ही उन्होंने सोनाक्षी जहीर की शादी को लव जिहाद से जोड़ा है। पोस्टर में लिखा गया है, सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी लव जिहाद को बढ़ावा दे रही है। पूरे देश का इस्लामीकरण करने की कोशिश। शत्रुघ्न सिन्हा जी शादी के फैसले पर पूर्ण विचार करें, नहीं तो अपने बेटों लव कुश और अपने घर रामायण का नाम तुरंत बदल लें। इसे हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है। आगे पोस्टर में लिखा गया है, सोनाक्षी सिन्हा को हिंदू शिव भवानी सेना बिहार में नहीं घुसने देगी। हिंदू धर्म को कमजोर और नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से सोनाक्षी की शादी मोहब्बत के नाम पर मजहबी साजिश और अवैध धर्म तारण है। इसे लव जिहाद को बढ़ावा और पूरे देश का इस्लामीकरण करने की कोशिश है। सोनाक्षी और जहीर की शादी खबरों के साथ ही ये खबर भी रही कि एक्ट्रेस शादी के लिए इस्लाम कबूल कर रही हैं। हालांकि जहीर इकबाल के पिता इकबाल रत्नासी ने इन खबरों को अफवाह बताया है। एक इंटरव्यू में बताया था कि सोनाक्षी शादी के बाद अपना धर्म नहीं बदलेगी। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।